फोन नंबर हाँ फोन नंबर आप लोग भी फिल्म डिवीजन की तरह एक्टिविटीज बनाते हैं लोगों तक पहुँचे ज़्यादा तो नहीं एक्चुअली इस बार दिखा रहे हैं दिखा रहा है ये देखो इस बार दिखा रहे हैं दिखा रहा है ये देखो भारत के 44वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इंडियन पैनोरमा में पोस्टरों को सेलिब्रेट करती हुई एक एग्जीबिशन में हम इस वक्त हैं जो कि नेशनल फिल्म आर्काइव्स ने लगाई है। हमारे साथ नेशनल फिल्म आर्काइव्स की इस एग्जीबिशन की क्यूरेटर सीमा वर्तक हैं। सीमा हमें बताइए कि इस एग्जीबिशन को बनाते हुए क्या अनुभव रहा? एग्जीबिशन बनाते वक्त हमारा बहुत ही बढ़िया अनुभव रहता है क्योंकि हर फिल्म अलग सी रहती है। उसका डिज़ाइनिंग करते वक्त या मिसेस कारखानी जो है जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन की हेड है और मिस्टर भोसले जो फोटोग्राफी में माहिर है तो हम तीनों मिलके ये एग्जीबिशन का काम करते हैं और हर फिल्म का जब कैप्शन लिखते हैं हम लोग तो और हिंदी में भी बनाना पड़ता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है तो वो करते वक्त बहुत ही आनंद मिलता है हमको। अगर किसी सबसे पुराने पोस्टर की बात करें जो हम यहाँ देख सकते हैं वो बताइए और जो सबसे नया पोस्टर है वो बताइए और ये बताइए कि कैसे इन पोस्टरों के बनाने की उसका जो विजुअल डिस्प्ले है उसको बनाने का जो प्रोसेस है उसमें ओवर द ईयर्स कैसे बदलाव आए। इस साल तो पैनोरामा की थीम जो है वो पैनोरामा फिल्म्स ही है। ईफी में 1978 में पैनोरामा इंट्रोड्यूस हुआ ताकि इंडियन बेस्ट इंडियन फिल्म्स सब मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को पता चले देखी जा सके ये उद्देश्य था उसका। और सबसे पुरानी फिल्म इसमें हमने जो ली है वो है गिरीश कारनाड की फिल्म उंदा नोंदू कल्लाडली या कन्नड़ फिल्म है और सबसे नई जो हमने फिल्म ली है वो है पा जिस अमिताभ बच्चन ने रोल निभाया है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि सबसे पुराने से लेके आज तक की फिल्में सबका इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है सब फिल्मों को और हर साल इफ़ी के ये एग्जीबिशन जो रहता है इसमें हर साल कुछ अलग सा थीम रहता है। जैसे 2010 में हमने फाल्के अवार्डी का थीम लिया था। फाल्के अवार्ड जिनको मिला वो फाल्के अवार्डीज एंड उनके फिल्म्स ये सब हमने उसमें इंट्रोड्यूस किए थे। और एक साल ऐसा था कि जिसमें हमने पूरा म्यूज़िक लिया था म्यूज़िक फिल्म्स लिए थे जिनमें बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया हुआ है। हर साल कुछ अलग अलग फिल्में जैसे हिस्टोरिकल फिल्म्स रहती है हर साल कुछ नया करने को काम मिलता है हमें। थैंक यू वेरी मच। ये थी सीमा वर्तक। सॉरी और एक बात मैं अगर बताना चाहूँ NFII मीन्स राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये संपूर्ण भारत में एकमेव ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो इंडियन एज वेल एज फॉरेन फिल्म का चयन करती है उसको प्रिजर्व करके रिस्टोर भी करती है और फिल्मों के साथ साथ फिल्म के से रिलेटेड जुड़े हुए जितना भी मटेरियल है मतलब सॉन्ग बुकलेट्स रहते हैं या वॉल पोस्टर्स रहते हैं स्टिल फोटोग्राफ्स रहते हैं इन सब चीज़ों का हम प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन करते हैं ताकि जग भर के जो रिसर्चर्स रहते हैं उनको उनके रिसर्च में काफ़ी मदद मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। ये थी सीमा वर्तक नेशनल फिल्म आर्काइव्स की इस एग्जीबिशन की क्यूरेटर। उम्मीद है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लगी इस एग्जीबिशन में पोस्टरों की इस यात्रा और ख़ास तौर पर वो पोस्टर्स जो इंडियन पैनोरमा पर केंद्रित हैं इनको देखकर दर्शकों का ज्ञान
वर्धन होगा और उनको सूचनाओं से लैस करेगा। कैमरा पर्सन प्रशांत कर्माकर के साथ इरफान, राज्यसभा टीवी, गोवा।